Friend Mangla Patil is here. Today's topic is Phylum Cordata and Introduction. वट इज कॉडेटा कॉडेटा क्या है द एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड फर्स्ट इन टू सेवरल मेजर एनिमल ग्रुप्स इन मेजर एनिमल ग्रुप्स को फाइला कहते हैं जो लास्ट मेजर ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम है उसको हम फाइलम कॉर्डेटा कहेंगे द नेम ऑफ दिस फाइलम इज डिराइव फ्राम टू ग्रीक वर्ड्स द कॉडी इसका मतलब होता है कॉड और एटा इट मीन्स बेयरिंग एस इट्स इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे एनिमल्स जो कॉर्ड बियरिंग होते हैं वो कॉडेट्स के अंतर्गत आते हैं द रेफरेंस इज टू अ कॉमन कैरेटिस्टिक्स फीचर जो कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बैक में प्रजेंट होता है इट इज़ अ नोटो कॉर्ड और ये ऑल मेम्बर्स जो फाइलम के अंतर्गत आते हैं इसके किसी न किसी स्टेज में ये इवन सम स्टेज ऑफ दायर लाइफ वो प्रजेंट होते हैं अब कॉडेट्स के कुछ थ्री इन फंडामेंटल कैरेक्टर्स है हम उन फंडामेंटल कैरेटिस्टिक्स को देखते हैं फर्स्ट अडोसल हॉलो और ट्यूबल नर्व गर्ड जो कि खोखली होती है सेकेंड अलोंगीटनल सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकॉड जो कि नव कॉड के नीचे पाई जाती है थर्ड अ सीरीज ऑफ फेरेंजल गिल स्लिट्स इसकी एक सीरीज होती है फेरेंजल गिल स्लिट्स की जो जस्ट नोटोकॉड के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है आप डायग्राम देख सकते हैं इस डायग्राम में सबसे ऊपर होलोडोर्सल नर्व कॉर्ड ड्रॉ की हुई है उसके नीचे आ, हार्ड नोटोकॉर्ड ड्रॉ की है और उसके जस्ट नीचे फैलेंजल स्लिट्स ड्रॉ की हुई है सो so, यही तीन फंडामेंटल कैरेक्टर कॉडर कॉडिट्स कौरे, कैरेक्टर है जो इसमें एनिमल्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं नाउ हम वन बाय वन इसकी जो जनरल कैरेक्टर्स है फाइलम कॉर्डेट्स के वो पढ़ेंगे सो इसमें आने वाले जितने सारे ऑर्गेनिज्म से जितने सारे एनिमल्स हैं वो इक्वेटिक हो सकते हैं एरियल हो सकते हैं और टेरेस्टल भी हो सकते हैं इसकी बॉडी साइज़ स्मॉल टू लार्ज होती है इसकी बॉडी सीमेट्री बाइलेट्रियल होती है एंड इसका जो बॉडी होता है वो मेटामेरिक सिगमेंटेड होता है इसमें पोस्ट एनल टेल प्रजेंट होती है जो कि एनल पर भी खत्म हो सकती है और या तो ये अडल्ट स्टेज में जाकर डिजनरेट भी हो हो जाती है और इसमें मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में वेल डेवलप्ड एक्सोस्केलेटन प्रजेंट होता है जो उसको बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसके बाद अगर हम बॉडी वॉल की बात करें तो ये ट्रिप्लो होता है ट्रिपलो ब्लास्टिक इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि क्योंकि ये थ्री जर्मिनल लेयर एक्टोडम मिसोडम एंडोडम से मिलकर बनती है सो ऑल एनिमल्स कमिंग टू द फाइलम कॉर्डेट्स हैविंग ट्रिपलोब्लास्टिक बॉडी वॉल नेक्स्ट बॉडी में ट्रू सीलोम सिलोम होता है सिलोम का मतलब क्या है सिलोम ये बॉडी में बॉडी वॉल और जो इंटरनल फेरेंजल ग्लेट गट होती है इसके बीच जो बॉडी गट है इसके बीच में जो कैविटी होती है उसको हम सिलोम कहते हैं सो ऑल एनिमल्स आर सिलोमेट एनिमल्स विच दे कमिंग टू द फाइलम कॉर्डेटा नाउ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कॉडिट्स नेक्स्ट इज कि इस पर आने वाली जो एनिमल्स हैं उनमें स्केलेटन ड्रॉड लाइक नोटोकॉर प्रेजेंट होती है प्रीवियसली मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ अ फंडामेंटल कैरेक्टर और ये स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ ये प्रेजेंट होती है इसके साथ ही इस इनकी बॉडी कार्टिलीज कार्टिलीजनियस एंडस्कलेट बना होता है जो इसका इंटरनल सपोर्ट एंड प्रोवाइड करता है एक और मेजर एटिस्टिक्स की बात की थी आपने प्रीवियसली इसके सम स्टेजेस ऑफ लाइफ इसमें फेरेंजियल गिल्स गिल्सलेट्स प्रेजेंट होती है ये एडल्ट uh, तक ये डिजनरेट भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू हैबिटाट ये प्रेजेंट और एबसेंट होती है नाउ इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कम्प्लीट होता है बिकॉज ये माउथ टू अनस होता है उसके साथ साथ एसोशिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड भी इस पर प्रजेंट होती है अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की सो so, इसमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो क्लोज टाइप का होता है क्लोज इसलिए हम कह रहे हैं बिकॉज जो ब्लड होता है वो वेसल्स में होकर फ्लो होता है सो इट इज़ कॉल्ड क्लोज वेस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें जो हार्ट होता है मोस्टली वो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है इसके साथ ही डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल्स भी इसमें प्रेजेंट होती है जिसके जिसके थ्रू ब्लड क्लोज सिस्टम बनाता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इज़ रिलेटेड टू लीवर वेल डेवलप्ड होता है नेक्स्ट जनरल ऑफ इज़ हैविंग एक्सक्रिटरी सिस्टम विच प्रोटो मिसो और मेटो मेटा ये नेफ्रिक जो होती है किडनी ये ओरिजिन मेटा टाइप की हो सकती है नर्व कॉड डॉर्सल और ट्यूबुलर होता है ये प्रेजेंट इसमें होती है इसके साथ ही एंटीरियर एंड पर जाकर ये इलाज होकर ब्रेन फॉर्म करती है नेक्स्ट वन इज़ हम अब रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं इट मीन्स ये मोस्टली डाइशियस एनिमल्स माने जाते हैं डाइशियस मीन्स दो अलग अलग इंडिविजुअल्स uh, होते हैं वन इज़ आइर मेल और फीमेल सो इट इज दे ऑल आर डाइशियस एक्सेप्शनली मोनोशियस भी हो सकते हैं अब इसमें आने वाले अगर हम एनिमल्स uh, की बात करें तो फाइलम कॉर्डेट्स में हम मेजर फाइला आ, फाइलम की बात करें कॉर्डेट्स की तो इसमें रेपटाइल्स एम्फीबियंस एव्स मेमल्स ये फाइव टेटापोर्ट्स क्लास होती है इसके डायग्राम यहाँ पर आ, देख सकते हो आप इसके साथ ही इसमें एसिडिशियंस सल्फी लारवेसी लैंसेट्स हैगफ लैम्प्रे लैमप्रे कार्टीज यहाँ तक हम देखें तो ये लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उसके साथ हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो कार्टिलीजियंस फिश रेड फिन फिश लोअ फिन फिश एम्फीबियंस रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं इसको हम नेक्स्ट आने वाले क्लासिफिकेशन में और क्लेरिफाई करेंगे वन बाय वन क्लासिफिकेशंस में हम इनको देखेंगे So, uh, all this about the uh, an, uh, introduction of carded. Thank you. Have a nice day.